आज हम इस जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है मिनरल्स। मिनरल्स होते हैं कि तत्व, कोई एक तत्व या तत्वों के मिश्रण जिसको हम मिनरल कहते हैं। और ये जो मिनरल्स हैं ये धरती में पाए जाते हैं, और सिर्फ एक मिनरल सिर्फ एक जगह पे नहीं मिलता, एक मिनरल कई जगह पे भी मिल सकता है और कई मिनरल एक जगह पर भी मिल सकते हैं। जो मिनरल्स होते हैं ये वातावरण पे, जहाँ पे तापमान कैसा है, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ऐसे अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे मिनरल्स पूरे धरती पे एक जैसे ही पाए जाएँ, किसी जगह पे ज़्यादा पाए जाएंगे, किसी जगह पे ये कम पाए जाएंगे। कुछ मिनरल्स होते हैं कुछ ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर हम आसानी से नहीं पहुँच सकते, जैसे पहाड़ों में, हिमालयस में ऊपर है। कुछ ऐसे मिनरल्स भी होंगे यहाँ पे अभी तक हम नहीं पहुँच पाए। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, इसमें कोई किसी ह्यूमन की कोई छेड़छाड़ या कोई किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं रहती है। ये कई सालों तक जो पुराने अवशेष हैं, फॉसिल्स होते हैं जैसे प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनके दबे जाने से, या जो पहाड़ होते हैं उनके नीचे जो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, उनकी वजह से ये मिनरल्स बनते हैं। मिनरल्स की पहचान उनकी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा की जा सकती है, जैसे उनका कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ऐसे जैसे गोल्ड है, गोल्ड भी एक मेटल है लेकिन वो एक मिनरल के रूप में पाया जाता है। डायमंड है, तो हम उसके दोनों के कलर से, डेंसिटी से, हार्डनेस से पहचान कर सकते हैं कि इसकी ये जो मेटल है एक कौन सा मेटल है या किस प्रकार का मेटल है। ये जो मिनरल्स हैं उनको हम माइनिंग से, ड्रिलिंग से या क्वेरिंग से भी हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे कोयला निकलता है या फिर हम तेल निकालते हैं ज़मीन से, ठीक है, कोई और धातु गोल्ड निकलता है, ये सब अलग अलग तरीके से निकलते हैं। और इसके अलावा ये जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली हम इनको इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन करना। और जब ये मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होते हैं किसी एक जगह पे, हम उसको बोलते हैं ओर्स, ORES, ओर्स। और जो मेटल हमें मटेरियल्स निकलते हैं हमारे ओर्स से, उसमें बेस मेटल भी होता है, प्रेशियस मेटल होता है, आयरन, यूरेनियम, कोल, डायमंड, लाइमस्टोन, ऑयल, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। तो इनके अलग अलग तरीके हैं निकालने के, जैसे पहला है एक ओपन कास्ट माइनिंग। जो ओपन कास्ट माइनिंग है, हम धरती से निकालते हैं, पहले एक गड्ढा खोदा जाता है उसमें से जाके उसको निकालते हैं। और कई बार ये कम गहराई पे मिल जाता है, कई बार ये थोड़ी ज़्यादा गहराई पे भी मिल सकता है, जैसे रेत है, फिर बजरी है, छोटे छोटे पत्थर हैं, ये सब हमें कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग से मिलते हैं। सेकंड होती है शाफ्ट माइनिंग। ये शाफ्ट माइनिंग है, इससे हम एक्सकेवेटिंग करते हैं, टनल्स बनाते हैं, वर्टिकल टनल्स बनाते हैं ऊपर से नीचे को, और ताकि हम अपने गहराई तक उसको खोद सकें, अदरवाइज हम इसको मिनरल्स को नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में होता है कि हम बोर करते हैं, बोर करने के बाद हम उसको ज़मीन में से सब चीज़ निकालते हैं, जैसे हम घर में पानी के लिए बोर करते हैं और वाटर पंप लगाने के लिए, उसी तरह जब ज़मीन से तेल निकालना हो तो हम बोर करते हैं उसमें भी, उससे हमारा पेट्रोलियम गैस, ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो मिनरल्स हैं वो निकलते हैं। चौथा है क्वेरिंग। कई बार क्या होता है कि धरती के थोड़ा उसको हटाओ तो धरती की कुछ दूरी पर हमें वो मिनरल्स मिल जाते हैं, हम उसको बोलते हैं क्वेरिंग, खदान भी बोलते हैं उसको। जैसे कोई धातु हो जाए, कोई ग्रेनाइट हो, मार्बल हो गया, जैसे मार्बल की ये क्वेरीज होती हैं, क्योंकि ये पत्थर जो होता है पहाड़ों में जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ती। जो मिनरल्स होते हैं हम इसको दो भागों में बांटते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे हमें आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और टिन वगैरह होते हैं, और इनको हम
फेरस या नॉन फेरस भी होते हैं इनकी कैटेगरी में। जो फेरस होते हैं इनमें आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट्स हो गया, और जो नॉन फेरस होते हैं इसमें लोहा नहीं होता है, इसमें आयरन नहीं होता है, लेकिन होते हैं ये मेटल्स ही हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है। दूसरी तरफ अगर दूसरी टाइप ऑफ मिनरल्स की बात करें वो होते हैं नॉन मेटेलिक। जो नॉन मेटेलिक हैं उनमें मेटल का नाम ही नहीं होता, जैसे कोयला, कोयले में कोई मेटल नहीं है, माइका है, सल्फर है, पोटाश है, पेट्रोलियम है, इनमें कोई इसी तरह का कोई मेटल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मिनरल्स कहलाते हैं। आगे एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स ऊर्जा के संसाधन। अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है तो इंसान अपनी तरक्की के लिए अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है एनर्जी के, चाहे अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से या मॉडर्नाइजेशन से हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को काफ़ी आगे तक ले आए हैं, या तो पुराने ज़माने में हमारे पास कोई भी ऐसा खास एनर्जी रिसोर्स नहीं था। तो आविष्कार करने के पहले कोयला हुआ, फिर गैस बनी, और फिर सोलर पावर आ गई, फिर पानी भी हमारा एक एनर्जी सोर्स है। सो ऐसे अलग जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन से हमने नई एनर्जी सोर्सेज अपने ढूंढे हैं। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से और डेवलपमेंट बढ़ने से हमारी जो एनर्जी सोर्सेज की डिमांड है वो भी बढ़ गई है। जो एनर्जी सोर्सेज हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है नॉन कन्वेंशनल और एक होता है कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल मीन्स आधुनिक या रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं हम उनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको दोबारा जल्दी रिचार्ज या रिन्यू किया जा सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को हम बार बार बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी है, सूर्य की गर्मी से या धूप से, सूर्य की किरणों से हम एनर्जी को बार बार बना सकते हैं। हवा से, समुद्र की लहरों से, ऐसे ये हमारी नई टेक्निक्स हैं एनर्जी सोर्सेज बनाने की। और दूसरी है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, बार बार नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कोयला, कोयले को एक बार यूज़ किया तो उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो राख बन जाएगा। मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल गैस है, एक बार गैस जला के इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। सो ये कुछ रिसोर्सेज हैं एनर्जी के। आ गया कोल, कोयला। कोयला कैसे बनता है? कोयला होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं जो पुराने समय से ज़मीनों में दबे हुए हैं, पुराने उनके जो फॉसिल्स होते हैं, तो वो गर्मी से या प्रेशर से, पत्थरों के प्रेशर से वो अंदर कोयला बन जाते हैं, सख्त होकर कोयला बन जाते हैं। और ये कोयला हमारा एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। और ये हमारा जो कोयला है ये एक कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। जो कोयला है आज की दुनिया में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक एनर्जी का साधन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब बेशक कोयले की जो डिमांड अभी कम होती जा रही है क्योंकि इसकी जो रिसोर्सेज हैं अभी कम ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत सालों से इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बदले में अब हमने पानी और सोलर एनर्जी से एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर दिया है इंडस्ट्री के लिए भी। सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि और भी कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो कोयला है हम इसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पुराने ज़माने में स्टीम इंजन होते, रेलवे इंजन होते थे, उसमें भी कोयला इस्तेमाल होता था। और आज भी हमारे यहाँ पे थर्मल प्लांट्स चलते हैं जो कोयले से बिजली बनती है। तो जो कोयला है इसको हम गैस और लिक्विड फ्यूल्स को ट्रीट करने में, इसको उनका बनाने में भी काम आता है और केमिकल्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोयले के इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत होता है। जब कोयला जलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो कि धुंध बन जाती है, कई बार वातावरण दूषित हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड रेन भी इसका कारण है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में गर्मियों में भी धुंध की तरह कुछ
कोहरा छाया रहता है आसमान में, उसको दिल्ली चले जाइए आप या लुधियाना या कहीं और बड़े शहरों में देखिए जहाँ पे कारखाने हैं, तो वहाँ पे भी कोहरा सा छाया रहता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, तो वो कोयले के कारण भी होता है। वो जो कोयला है वो कहाँ बनता है? कोयला बनता है चाइना में, अमेरिका में, रशिया में, यूक्रेन में और भारत में। तो ज़्यादातर जो है कोयल की माइंस हैं जो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं, यूएसए है उसमें, अमेरिका है उसमें, वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है कोयले का। जो कोयला है यूएस में, ये बिटुमिनस है और इसको हम ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं। ये कोयला होता है, इस कोयले को हम सिर्फ जलाने के नहीं बल्कि और भी किसी काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में जो कोयला पाया जाता है वो है बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये सब कोयले बनाते हैं। जैसे झारखंड में धानबाद जगह है, तो बहुत ही फेमस है कोयले की खानों के लिए। बंगाल में रानीगंज है, झारखंड में धानबाद के अलावा बोकारो है, कोरबा है छत्तीसगढ़ में, नेवली है तमिलनाडु में, ऐसी बहुत सारी फेमस कोल माइंस हैं। नेक्स्ट है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल क्या है? मिनरल ऑयल जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, जिसके बिना हम नहीं रह सकते और हम मिनरल ऑयल के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से निर्भर हैं। जो मिनरल ऑयल है बेसिकली ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से ही बनता है और इसको हम पहाड़ों से निकलता है, ज़मीन से निकलता है, इसको ड्रिलिंग मेथड से निकाला जाता है। इसको हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण इस्तेमाल है। इसको हम डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज़ कर सकते हैं, लुब्रिकेंट भी यूज़ कर, इसके दोनों के अलावा हम इसको कई और जगह पे भी इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। 70% जो है टोटल प्रोडक्शन वो हमारी मिनरल ऑयल से होती है। अभी जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रही हैं, इंडस्ट्री चल रही है, रेलवे चल रही है, ये सब मिनरल ऑयल की वजह से ही चल रही है। केमिकल्स बनाने, फर्टिलाइजर्स बनाने में और दवाइयाँ बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में मिनरल ऑयल कहाँ पाया जाता है? इराक में, सऊदी अरबिया, ईरान, अरब देश, कातर, बहरीन और अमेरिका, रशिया, यूक्रेन में भी पाया जाता है। और भारत में ये असम, गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह पाया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है वो एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये इसमें कुछ ऐसे गैसेस हैं जो मिलके एक नेचुरल गैस बनाती हैं और ये गैस है ये धरती के अंदर से निकाली जाती हैं। तो हम इसको ड्रिलिंग मेथड से निकालते हैं और इसमें जो है कुआं एक बनाया जाता है जिसको हम ड्रिलों से ज़मीन में भेजी जाती हैं ड्रिलें, और उससे फिर उसको बाहर निकाला जाता है। जो नेचुरल गैस है आज के ज़माने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी बन रहा है, खासकर भारत में, क्योंकि जो नेचुरल गैस है ये बिल्कुल साफ गैस है, इसको ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से मिल जाती है, इसका कोई पोल्यूशन भी नहीं है। इसको हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं एज रॉ मटेरियल और इनके हम इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पावर प्लांट बनाने में भी आसान है, गैस को या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान है, गैस पाइपलाइंस बिछाई जा सकती हैं। जो इंडिया है वो हमारा लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है नेचुरल गैस का। आपको पता होगा आजकल गाड़ियाँ भी आ रही हैं गैस पे चलती हैं, तो वो जो गैस है यही होती है जिससे वो गाड़ियाँ भी चल रही हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, अभी भारत में भी न्यूक्लियर प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं, आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये रेडियो एक्टिव आइटम से बनता है, यूरेनियम और थोरियम से।
लेकिन जितनी ये न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, जितने ही ज़्यादा ये न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्रोवाइड करेंगे, उतने ही ये खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि अगर ये रेडिएशन से लीक हो जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं और लाखों लोगों की जानें भी जा सकती हैं। इस तरह अभी जो दुनिया में वर्ल्ड पावर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं अभी तक, वो USA, फ्रांस, इटली, जापान, चाइना, कोरिया, कनाडा और मैं कहना अब इंडिया में भी लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल अभी इंडिया में 3% ही एनर्जी यूज़ हो रही है न्यूक्लियर प्लांट से, लेकिन आने वाले 10 सालों में या अगले 20 सालों में हमारी ये परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अभी जो हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं वो भी फिलहाल अभी महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी होती है जो पानी से बनाई जाती है, पानी से बनाई गई ऊर्जा। आपने अभी देखा होगा कि जो नदियों का पानी होता है इसको इकट्ठा करके हम उससे बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं, हम उसको हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं। पानी से बिजली बनाई जाती है और जो है इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो सस्ता है, पानी तो फ्री का आ रहा है पीछे से, हमने इसको बस इकट्ठा करना है और बिजली बनानी है। दूसरा कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को, एक जगह से पानी छोड़ा आगे या फिर इकट्ठा करें फिर दोबारा बिजली बनाई जा सकती है। तीसरा इससे कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई धुआं नहीं निकलना है, कोई कुछ नहीं। और जो पानी है ये तो चलो ट्रांसपोर्ट होता ही है बाय नेचुरल वेज, और जो बिजली बनाई जाएगी इसको हम तारों से, केबल से, वायर से दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी जैसे पंजाब में रणजीत सागर डैम है, इसी तरह भाखड़ा ब्यास है, भाखड़ा डैम है, ये सब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी जो 80% ऑफ हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बिजली वाले, ये हमारे महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश में लगे हुए हैं। तो आने वाले सालों में, अभी पिछले कुछ भी आने वाले सालों में हम इसको और भी प्रमोट कर रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में इसको हमने जो हमारे जो बड़े डैम हैं उन पे थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी है। उसका कुछ कारण है क्योंकि इनसे हमारा जो वातावरण है वो थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारे पौधे, जानवर और जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं, क्योंकि पानी जब इकट्ठा किया जाता है तो उनमें कुछ खेत खलियान भी डूब जाते हैं। मिट्टी है जो उसकी फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है, क्योंकि डैम बनने से अब पानी खेतों तक प्रॉपरली नहीं पहुंचता। पहले बाढ़ आ जाती थी, खेतों तक पानी अपने आप चला जाता था, लेकिन अब पानी को डाइवर्ट किया जाता है अपने मतलब के लिए, जिससे कि पानी पूरी धरती तक पानी नहीं जा सकता और उससे उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। एक्वाटिक जो लाइफ है, जो मछलियाँ वगैरह हैं, अब उनको भी इधर उधर घूमने का नहीं मिलता, पूरी खुराक नहीं मिल पाती उनको पानी से। आगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब है जो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हम आजकल नई टेक्निक से एनर्जी बना रहे हैं और जिस एनर्जी को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें है जैसे बायोगैस एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। अब क्योंकि हमारी जो डिमांड ज़्यादा है एनर्जी की, सप्लाई कम है, तो कुछ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने से, बढ़ जाने से, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे एनर्जी में यूज़ में और एनर्जी डिमांड और एनर्जी की सप्लाई में कमी आ रही है। तो उस कमी को, उस गैप को पूरा करने के लिए हमें नई तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उसमें है बायोगैस एनर्जी। जो बायोगैस एनर्जी है ये हम गोबर से बनाते हैं, गोबर से इसको बनाते हैं, और जो वेस्ट होता है जानवरों का, जिसका हम गोबर बोलते हैं, काउ डंग बोलते हैं, तो वो हमारा उससे हम बायोगैस ऊर्जा बनाते हैं। सेकंड है सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है वो सूर्य की रोशनी से बनाई जाती है, तो सोलर कुकर लगाए जाते हैं, सोलर
कुकर्स में हम खाना बना सकते हैं। तो पहले सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं जो कि पूरी हीट एब्जॉर्ब करते हैं और बैटरी चार्ज करते हैं, फिर उन बैटरी से और सौर ऊर्जा इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। जो विंड एनर्जी है ये हवा से बिजली बनाई जाती है, वो इस तरह की जो समुद्री किनारों पर हवा चलती है उससे वो विंड मिल्स चलती है, जो विंड मिल्स चलती हैं उससे वो बिजली जनरेट होती है और वो एनर्जी हम उसको अपने इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में और घर में। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। जो टाइडल एनर्जी है ये भी एक हाइड्रो पावर एनर्जी की तरह ही है, लेकिन इसमें कि जो समुद्र की जो लहरें होती हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने में। जो समुद्र की जो लहरें होती हैं उनको हम बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके जो खर्चा बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको ज़्यादा बड़ी लहरों के इस्तेमाल नहीं कर पाते। नेक्स्ट है जियो थर्मल एनर्जी। जो जियो थर्मल एनर्जी है यह कि जो धरती है इसके अंदर कुछ किलोमीटर अंदर जाके या कुछ हज़ार मीटर अंदर जाके बहुत ज़्यादा तापमान है, उस तापमान को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऊर्जा बनाने में। उसके बाद है आयरन ओर। जो आयरन ओर है ये हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मिनरल है और ये हमारा एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक बेस है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है चाहे मशीन है या मशीन के टूल्स हैं, कोई बिल्डिंग बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, घर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो वो हम लोहे से ही बनता है। और चाहे वो हमें ट्रांसपोर्ट के साधन बनाने हैं, चाहे बस है, चाहे ट्रेन है, चाहे रेल की पटरी है, वो भी आयरन ओर से ही बनती है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि जो आयरन ओर है इट इज़ अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि इसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। और जो आयरन ओर है ये एक यूनिवर्सली यूज्ड धातु है, मेटल है, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होती है। एक छोटे से छोटा कील भी जो बनाते हैं लगाने के लिए वो भी सुई बनती है, वो भी आयरन ओर से ही बनती है। और बड़े से बड़े गाड़ियों के हवाई जहाजों के इंजन है वो भी आयरन ओर से ही बनते हैं। तो आयरन ओर में कुछ और भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे इसको हार्ड करना हो, स्ट्रॉन्ग करना हो, टफ करना हो, और जो स्टील है वो भी आयरन ओर से ही बनती है। आयरन ओर से पहले आयरन निकाला जाता है, फिर आयरन उसमें अलग अलग चीज़ें मिक्स करके उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हम उसकी फिर शीट्स बनाते हैं, शीट्स को फिर फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पे उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसको हम उनके हम एलॉयज भी बना सकते हैं। एलॉय होता है जैसे आयरन है, उसमें हम कुछ धातु मिक्स कर दें और एक नई धातु बना लें, हम उसको आयरन ओर बोलते हैं। जैसे स्टील है, स्टील में हम आयरन के साथ साथ और भी केमिकल्स या मेटल्स मिक्स करते हैं जिससे वो स्टील बनता है। जो आयरन ओर के इंडिया में आयरन ओर कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड में, लगभग 50% जो रिजर्व है हमारे वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। रौरकेला जगह आपने सुनी होगी, स्टील प्लांट है, रौरकेला स्टील प्लांट बहुत ही फेमस है वहाँ पे, जो स्टील बनाता है भारत के लिए। टाटा स्टील कंपनी है, टाटा भी वहाँ पर जमशेदपुर जगह है। तो दुनिया में यूएसए, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, ये सब आयरन ओर बनाते हैं। जो अभी लेक सुपीरियर, अलबामा रीजन से ये तीन एरियाज हैं कनाडा में, यहाँ पे रिसोर्स बनाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कोरिया में, कनाडा में जो जगह है वो है लेक सुपीरियर रीजन है, जहाँ पे आयरन ओर माइनिंग की जाती है, वो है ऑन्टेरियो, क्यूबेक और न्यूफाउंडलैंड। यूरोप में स्वीडन है जो सबसे ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। रशिया है वो भी एक आयरन ओर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर है जो एक रेडिश ऑरेंज कलर का मेटल होता है जिसको हिंदी में तांबा बोलते हैं। तो ये जो है पिछले 5,000 सालों से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं,
तांबे के बर्तन भी बनते हैं, तांबे को हम इलेक्ट्रिक वायर्स में भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है इसको। ये जो कॉपर होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही अच्छा मेटल माना गया है, खासकर इसको इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करने के लिए। जो इलेक्ट्रिकल का सामान आता है वो उसमें भी कॉपर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो कॉपर है ये बर्तन बनाने में भी काम आते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में भी इस्तेमाल होता है, और जैसे मैंने भी बताया ये जो है नरम होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जल्दी से टूटता नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मैटर्स होते हैं जिनको हम ज़रा से फोल्ड करें टूट जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं टूटता, इसमें थोड़ी तो लचक होती है। जो कॉपर है इससे हम ब्रास और ब्रॉन्ज भी बना सकते हैं, और जो ब्रास और जो ब्रॉन्ज है, ब्रास होता पीतल, ब्रॉन्ज होता कांसा। इस कॉपर में जब हम कुछ और मेटल्स मिक्स कर दें तो हम उसको ब्रास या ब्रॉन्ज। कॉपर जो है दुनिया में चिली, USA, कनाडा, अफ्रीका, रशिया है, ये ज़्यादातर कॉपर बनाते हैं। भारत में कॉपर झारखंड में, राजस्थान में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे बॉक्साइट की। एल्यूमिनियम आपने देखा ही होगा, जो एल्यूमिनियम है सीधा एज इट इज़ नहीं निकलता धरती से, वो उसके जो ओर है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। जो एल्यूमिनियम है इसमें भी ये जो खासियत है कि ये लाइट मेटल है, हल्का होता है वजन में और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसको भी हम यहाँ पे कॉपर महंगा है तो जो एल्यूमिनियम है थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम को कॉपर की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसको भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में और इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बर्तन भी बनते हैं, पुर्जे भी बनते हैं व्हीकल्स के, एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होता है, शिप में होता है क्योंकि हल्का है, शिप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसको। और ख़ास बात यह है कि इसको जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगती इसको। अगर इसको स्ट्रॉन्ग बनाना हो एल्यूमिनियम को और, तो इसमें और सारे मेटल्स मिक्स कर सकते हैं। वर्ल्ड में ये ऑस्ट्रेलिया, गिनी, ब्राज़ील, सुरीनाम, रशिया, फ्रांस में पाया जाता है, और जो इंडिया है, इंडिया में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में पाया जाता है, और तमिलनाडु में भी इसको कोयम्बटूर और सलेम डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे माइका है, मैंगनीज है, लाइमस्टोन है, गोल्ड है, सॉल्ट है, ये सब जो है ये सब मिनरल्स हैं जिसको हम हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। जो माइका है वो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि जो माइका है ये सिर्फ दुनिया में भारत इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। नेक्स्ट है जैसे मैंगनीज है, जो मैंगनीज है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लाइमस्टोन अगेन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। जो सोना है वो कर्नाटक में पाया जाता है। सोना निकालना बहुत ही महंगा काम है और इसकी जो माइंस होती हैं सबसे ज़्यादा डीपेस्ट माइंस होती हैं। जो गोल्ड निकालने के लिए ब्लास्ट भी किए जाते हैं माइंस में, ताकि पत्थर जो होते हैं वो टूटे, पत्थरों में से फिर सोना निकलता है। इस तरह नमक है, सॉल्ट, सीज हैं, समुद्र हैं, लेक्स हैं, इसे रॉक्स से भी मिलता है, जिसको हम पहाड़ी नमक बोलते हैं, वो भी मिनरल के ही रूप है।